हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मे बी अराउंड 1 ईयर के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप पहले तो मेरे वीडियो देखे होंगे, मेरे को फॉलो भी किया हुआ। सो फ्रेंड्स, मैंने US में, यूरोप में काम किया हो, बट मेरा कंपनी मेरे को यहाँ पे इसराइल में ट्रांसफ़र किया हुआ है। सो अभी मैं इसराइल में काम कर रहा हूँ। सो इसराइल में काम कर रहा हूँ तो मैं बहुत सुन रहा हूँ। पहले तो कोई इंडियंस आते नहीं थे इधर, इसराइल के बारे में किसको पता भी नहीं था और कोई इसराइल आने को रेडी नहीं था, तभी आता भी नहीं था और इन लोग को ज़रूरत भी नहीं था, क्योंकि तभी वार से पहले इसराइल में काम करने के लिए गाज़ा का पीपल यानी पालिस्तानी पीपल काम करता था, उनका अग्रीमेंट था। सो उसके हिसाब से वो लोग काम करता था। बट नाउ वार के बाद जो पालिस्तानी लोग हैं जो गाज़ा से आता था, उनको सब लोग ये लोग ने बैन कर दिया, उनको आने का परमिशन नहीं दे रहे हैं। सो इधर इसराइल में अभी बहुत वैकेंसीज है, सब काम ठप पड़ा हुआ है, मतलब कुछ काम करने वाला है ही नहीं है, क्योंकि इधर पॉपुलेशन बहुत कम है भाई। अपना एक इंडिया का जो मेजर सिटी है ना, लाइक मुंबई, इतना भी पॉपुलेशन इधर नहीं है, ओनली 90 लाख है, 1 करोड़ से भी कम पॉपुलेशन है। सो काम तो बहुत है इधर, काम की कोई टेंशन नहीं। मैं अमेरिका यूरोप के लिए कंपेयर करूँ ना, मैं कभी कभी अमेरिका में खाली पड़ता था क्योंकि कंपनी था वो, बट बाकी लोग रहते ना काम करने के लिए, उधर काम मिलता नहीं है, US में भी काम नहीं मिलता, इधर काम का किधर कमी नहीं है, आपको काम तुरंत मिल जाता है। सो वो काम मिलता है किसी को जो जिसका आज़ाद विदा है उसके लिए, लेकिन कंपनी का अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने अपना 1 लाख लोग को भेजने के लिए ये लोग ने अग्रीमेंट किया था, तभी से इंडिया से पब्लिक आना शुरू हो गया, राइट। सो अभी एग्रीकल्चर वीज़ा के लिए एंड कंस्ट्रक्शन वीज़ा के लिए ये लोग पब्लिक इंडिया से आ रहा है भाई। बट ठीक है भाई, क्या है, पहली बात जो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, बट जो एग्रीकल्चर वीज़ा में आया, जो पहले फेज में आया था, वो लोग ने भाई 90% लोग भाग गया, 90% लोग ने भाग गया, मतलब किसी ने इंडिया भाग गया, कोई लोग तो अपना इधर कोई फ्रेंड है उनके साथ में मूव होके इधर इलीगल काम कर रहा है। भाई ऐसा करने में क्या होता है, एक 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 अपना इंडियन भाई ने ऐसा काम किया, पूरा इंडियन का नाम खराब होता है। तो इंडियन को लेने का बंद करेगा कि अभी स्टॉप किया हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ है, जो एग्रीकल्चर वीज़ा पे जितना भी लोग आए ना, उसमें से 90% लोग भाग गया है। तो अभी जो भी भाई अभी इसका इंटरव्यू हुआ है, सब कुछ हुआ है, उनको आप सोच रहे हो मेरे को वीज़ा क्यों नहीं आ रहा है, मेरे को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, भाई कैसा बुलाएगा बताओ, कि जो भी बंदा आ रहा है भाग रहा है भाई, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, उधर 1.5 लाख मिल रहा है तो इधर 2 लाख 3 लाख कमा रहा है, वो बात नहीं है, लेकिन वो कितना दिन काम करेंगे आप, क्योंकि उधर आपको अगर लीगल में रहेगा ना 1 साल में 11 महीने के बाद आप घर पर जा सकते हो, आ सकते हो, कंपनी आपको टिकट देगा, पैसा देगा, खाने पीने का सब कुछ सुविधा दे रहे हैं, तो फिर भी आप लोग भाग रहे हैं, उनका मजबूरी क्या है, मैंने आई डोंट नो अबाउट दैट, बट क्योंकि जो इंडिया में है वो लोग सोच रहा होगा मेरा क्यों नहीं आ रहा है, मतलब भाई रीज़न यही है, अभी इसराइल ने जो एग्रीकल्चर वीज़ा के लिए रोक लगा रखा है, क्योंकि एग्रीकल्चर वीज़ा में जो भी आ रहा है ना, उनको अभी इंडिया से नहीं ले रहा है, अभी आगे लेगा नहीं लेगा मेरे को ये मत बोलिए, फिर आप ऐसा कैसा बोला, मेरा पक्का इंफॉर्मेशन है इंडिया के जो एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन वर्क में जो आ रहा है वो लोग के लिए चालू है, एंड ये एग्रीकल्चर वीज़ा के लिए रुका के रखा है, क्योंकि एग्रीकल्चर वीज़ा के लिए ये लोग जो भाग गया बोला था ना, उसका भी थोड़ा रीज़न हो सकता है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर वीज़ा लोग है ना, जो विलेज में होता है, जो फील्ड किधर होता है, विलेज में होता है, वो फील्ड के हिसाब से उन लोग को उधर डाल के फिर डर के भाग गया, क्या भाग गया पता नहीं, क्योंकि जो बिल्डिंग वर्क्स में आता है, कंस्ट्रक्शन वर्क में आता है, क्योंकि उनके जो अकोमोडेशन है ना सिटी में होता है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो फील्ड वर्क में आया, जो फार्म वर्क है फार्म में काम करने के लिए एग्रीकल्चर वीज़े पे आ रहे हैं, वो लोग भाई 90% लोग भाग गया है। इसके लिए अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, इसराइली वाले अपने इंडियन को अवॉइड करके थाईलैंड वाले को फार्म वर्क एग्रीकल्चर वीज़ा के काम करने के लिए थाईलैंड वाले बहुत लोग आते हैं, थाईलैंड से मोस्टली ज़्यादा आता है, थाईलैंड के अलावा भी फिलीपींस आता है, फिलीपींस लोग भी
वो लोग भी कभी ऐसा काम नहीं करते, वो लोग भागते नहीं है, वो लोग जिधर अकोमोडेशन मिला उधर रहते हैं, अच्छा सा रहते हैं, फिर जाते आते हैं। फिर अपने इंडियन लोग भी फिर आके इधर ऐसा भागने का काम करेगा, फिर दूसरे इंडियन लोग को चांस नहीं मिलेगा। तो भाई इसके लिए इसराइल के इसराइल में अगर एग्रीकल्चर वीज़ा के लिए इंडियन लोग के रोक लगा हुआ है, ऐसा भी अभी इधर वार चल रहा है, थोड़ा बहुत दिक्कत है, अभी वार चल रहा है, मतलब ये नहीं अभी ईरान के, अब रिसेंटली ईरान ने अटैक किया है अभी इसराइल के ऊपर, आज सुबह का बात है। सो इसके चलते भी कुछ रोक भी हो सकते हैं, अभी मे बी आई सून मे बी चालू हो सकता है। भाई आप लोग कोई टेंशन मत लीजिए, जो एग्रीकल्चर वीज़ा में है अभी मे बी चालू हो सकता है। ओके भाई, देखते हैं भाई।